स्टूडेंट्स so, दो तीन तरीके हैं किसी भी चीज को बेचने के हमने गूगल एडवर्ड देख लिया एड सेंस देख लिया फेसबुक के एड देख लिए फेसबुक के पेज को हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं वो देख लिया एक बड़ा कॉमन तरीका है और बड़ा साइकोलॉजिकल तरीका है वो ये है और ये आजकल बड़ा कॉमन है वो तरीका ये है कि लेट्स सपोज मैं जिस तरह की परचेजेस प्रीवियसली कर चुका हूं उस ही तरह की परचेजेस मुझे फ्यूचर परचेज के लिए रिकमेंड की जाए इससे क्या मुराद है इससे मुराद यह है कि लेट सपोज इफ आई हैव बॉट बुक्स रिगार्डिंग टू लेट सपोज सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेटा बेसिस इन माई नियर पास्ट यानी प्रीवियसली मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स परचेज कर चुका हूं तो आजकल जो बहुत ज्यादा चीज कॉमन है इसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स रिकमेंडर्स रिकमेंडर्स ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर आपको ये बता रहा है कि आपको आपके मतलब की एक्स वाई जी बुक भी है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बता सकता है सॉफ्टवेयर ऐसे बता सकता है कि वो आपकी प्रीवियस बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे होते हैं जैसे मैंने आपको कुछ आ, हमने कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस किया था कि फेसबुक क्या है फेसबुक इज नॉलेज ऑफ बिहेवियर बेसिकली वो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां मेरे और आपका ब्राउजिंग बिहेवियर पड़ा हुआ है यानी क्लिक्स पड़े हुए हैं इंटरेस्ट पड़े हुए हैं देखने में यह बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन एक्चुअली दिस इज वॉट दे सेल एक्चुअली बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन स्टोर में खासतौर पर एमेजॉन वगैरह में जो बड़ी एक कॉमन फीचर है वो ये है कि मैंने जिस तरह की ट्रांजेक्शंस या परचेज पास में की हुई हैं उस ही तरह की उस उसी तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे रिकमेंड की जाए बुक्स फॉर फ्यूचर परचेजेस अब ये चीज मेरे प्रीवियस बिहेवियर से ड्राइव होगी यानी कि अगर मैंने प्रीवियसली बुक्स परचेज ज़्यादा की है ना तो नेवर एवर आई विल गेट रिकमेंडेशन फॉर फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स या लेट सपोज रिकमेंडेशन फॉर मोबाइल फोन या हेल्थ वॉचेस सो ऑन सो मेरे पास बिहेवियर से डराइव की जाती है मेरी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस दिस इज वॉट वी कॉल्ड रिकमेंडेशन सिस्टमेंडर बोलते हैं इसमें ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड होती है रादर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस रीजन कि ह्यूमनली ये पॉसिबल बहुत कम है या बहुत मुश्किल है कि आप किसी बंदे का या कस्टमर का फ्यूचर जो बिहेवियर है वो प्रोडिक्ट कर सकें तो दिस इज अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स दीज थिंग्स कम एन सो दिस इज वॉट के परचेज बाय रिकमेंडेशन एंड बिलीव म्यूर नॉट दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी वे ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इसको हम बोलते हैं अप सेल करना क्या कि आप किसी को उसकी उस चीज पर मोटिवेट करें जिसके बारे में आपको पता है कि वो उस तरह की चीज पहले खरीद चुका है और इसका ज्यादा चांस है कि आप जो आपकी सेल है वो आप ज्यादा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस तरह की सेल ज्यादा इजिली अचीव कर लेंगे उस कस्टमर से जिस तरह की चीज पहले खरीद चुका है उसी तरह की चीज उसको रिकमेंड करें दर हाई प्रोबेबिलिटी के द सेल विल बी कन्वर्टेड या लीड विल बी कन्वर्टेड इन टू अक्चुअल सेल सो लेट सी के ये आ, इसको भी अमेजोन पे जाके देखते हैं एंड लेट सी के ये रिकमेंडेशन कैसे काम करती हैं जैसे ही आप लॉग इन होंगे अमेजोन में इफ़ यू हैव डन योर प्रीवियस परचेजेस सो लेट सपोज़ यहाँ पे ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो भी बता रहा है कि जी प्रीवियस पास सिक्स मंथ में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया लेट सपोज़ मैं जाता हूँ टू थाउजेंड फाइव लेट सपोज सो नाउ यू कैन सी के ये मैंने कुछ परचेज की हुई हैं So, if I, for example, go to this toggle interface, A book I click it. When I click here, now see here. Frequently bought together books. Customer who also view item also view this. Customer who bought also bought this. Now, just try to understand the quantum of their artificial intelligence. वो मुझे ये कह रहा है कि जो कस्टमर ये बुक खरीदता है फॉर एग्जांपल टॉग ऑन इंटरफेस उस तरह के कस्टमर्स टॉग ऑन सॉफ्टवेयर डिजाइन भी खरीदते हैं जो कस्टमर ये व्यू करते हैं वो द ह्यूमन इंटरफेस को भी व्यू करता है कस्टमर हु बॉट दिस आइटम आल्सो बॉट ये बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कह रहा है अब ये देखें आपको किस तरीके से वो रिकमेंड कर रहा है एक वो एक तरफ कह रहा है कि जो यूजर ये बुक जिसने भी खरीदी है उसने ये तीन बुक्स लाजमी खरीदी हैं द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स यूजर इंटरफेस डिज़ाइन बाई प्रोग्रामिंग एंड देयर इज मैकन टॉर्च ह्यूमन इंटरफेस यानी अब आप, आप समझिए वो क्या कह रहा है आपको इंडाक्टली वो तो आपको ये कह रहे हैं कि आप जैसे ही लोगों ने अगर एक बुक खरीदी है और अगर और कोई बंदा आया तो उसने तीन बुक्स और खरीदी हैं अब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट समझा ज़रा इसका कि इफ यू आर फ्रीकेंट बायर एंड यू आर लुकिंग फॉर सम रिलेटेड बुक्स मैं चाहता हूं कि लेट सपोज सॉफ्टवेयर डिजाइन से रिलेटेड ही बुक्स मैं परचेस करूं तो दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन सिस्टम देखने में ये बहुत सिंपल है लेकिन इट इज वेरी वेरी हेल्दी वेरी वेरी यूजफुल कि मुझे कहीं और ब्राउज नहीं करने दे रहा वो वो मुझे यहीं पे फोकस करवाने की कोशिश कर रहा है आप एक बात और नोट करें कि मैंने बुक अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन ही खरीदी है फॉर एग्जाम्पल या डिजाइन इंटरफेस की खरीदी है तो रिकमेंडेशन भी देखें उससे मिलती जुलती हैं इसका मतलब है कि अमेजॉन आर्टिफिशियल रिकमेंडेशन सिस्टम इज इट्स लुकिंग फॉर बिहेवियर मेरी पास ट्रांजेक्शन इफ़ आई विल स्किम थ्रू यू माई पास ट्रांजेक्शन ऑर्डर में तो यू सी के ज्यादातर दीज आर मोर लेस बुक्स ये बुक्स हैं ज्यादातर तो यू सी के जो आपको रिकमेंडेशन भी आ रही है वो बुक्स से रिलेटेड आ रही है उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर ट्रैक हो रहा है इवन इन अमेजोन जो आपकी परचेजेज हैं उससे रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन मिल रही हैं फॉर फ्यूचर परचेजेस सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी के अगर मैंने प्रीवियसली कोई एक तरह की चीज खरीदी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर यह प्रिडिक्ट करना ज्यादा ईजी है कि मैं एक फ्यूचर में किस तरह की परचेजेस करूंगा इसका मतलब है कि इस चीज की मदद से जो कंपनीज हैं वो अपनी सेल्स रेवेन्यू को प्रिडिक्ट कर सकती हैं अदरवाइज ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन से आप किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को ओरिजिनेट करें टू प्रोडिक्ट योर सेल